देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और चुनाव को देखते हुए जो राजनीतिक दल है वो लगातार अब कोशिशें, प्रयास और अपनी तरफ से सारी बिसात बिछाने का पूरा एकदम रोड मैप तैयार कर चुके हैं। प्रत्याशियों की घोषणा की जा रही है और बहुत जल्द अब राजनीतिक दलों की तरफ से जमीन पर उतर के आगे की जो रणनीति है उस रणनीति के तहत जनता के बीच जाकर के वोट मांगने की जो कवायद है वो भी लगभग शुरू हो जाएगी। लेकिन इन सबके बीच में जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जनता को खुद विचार करना पड़ेगा। विपक्षी दलों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ये बताया जाए कि मौजूदा सरकार की आखिर कमियां क्या है और सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है ये बताने का कि आखिर हमने 4.5 साल 4.5 साल में क्या क्या किया। वो ये भी बताने में लगे हुए हैं कि जब ये विपक्षी सत्ता में थे तो इन्होंने क्या किया। वो ये भी बताने में लगे हुए हैं कि इन विपक्षियों की कमियां क्या हैं और वो ये भी बताने में लगे हुए हैं कि अगर हमें फिर से चुना जाता है तो हम बाकी की इन वो जो योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में अभी तक जमीन पर तो है लेकिन घर घर तक नहीं पहुंची है उन्हें घर तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन विपक्षियों की तरफ से पूरी कोशिश है, पूरी तैयारी है। वो लगातार हर योजना का काट निकाल रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम अभी आपको ये बता सकते हैं कि सरकार ने कौन सी योजना चलाई थी और उस योजना का जो नतीजा है वो कितना कहां तक पहुंचा है। इस बीच प्रत्याशियों की घोषणा भी की जा रही है, उसमें भी कई सारी बातें निकल के सामने आई हैं। जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर इस बात को कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जिन प्रत्याशियों की घोषणा की गई है दरअसल उनका पहला प्रत्याशी जेल में है और आखिरी प्रत्याशी बेल में है, इस तरह की लिस्टिंग करी गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, 205 प्रत्याशी उन्होंने अब तक उतार दिए हैं और ये कहा है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं दरअसल वो सब पीएचडी वाले हैं, सब डॉक्टरेट वाले हैं, सब पढ़े लिखे हैं। और इन सबके बीच में जो बीजेपी है वो लगातार अपने संगठन के तहत वो लगातार फीडबैक लेकर के वो लगातार जनता के बीच अपनी टीम को भेज करके ये पता कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस प्रत्याशी में कितना दम है। आवेदनों की संख्या लगभग सभी राजनीतिक दलों में ज्यादा आए हुए हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो सबसे पहले जारी कर दिया। कांग्रेस ने यह कह दिया कि हम इस बार युवाओं के लिए सरकार में आना चाहते हैं, हम युवाओं की परीक्षा मुफ्त कर देंगे, वो परीक्षा देने जाएंगे, हम उस खर्चे को खत्म कर देंगे। कई सारी बातें उन्होंने कही हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का सवाल सबसे ज्यादा मौजूदा सत्ता दल से पूछा जा रहा है कि आखिर आपने रोजगार क्यों नहीं दिया। और सरकार कह रही है कि हमने रोजगार दिया, हमने साफ सुथरी तरीके से रोजगार दिया और इसी वजह से 5 लाख से ज्यादा भर्तियां उत्तर प्रदेश में हमने करी है। फिलहाल जो ग्राउंड रिपोर्ट है उससे यह साफ साबित हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये जो लड़ाई है विधानसभा चुनाव की ये किसी एक खेमे की तरफ नहीं है, ये लगभग सभी खेमों की तरफ बटी हुई है, सबका अपना दमखम है और सब ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। कहा जाता है कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो तो उस चुनाव को महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि यहां से केंद्र की सत्ता भी तय होती है। राजनीतिक दल ये जानते हैं कि अगर यहां जीत गए तो भैया दिल्ली में सत्ता पा जाना आसान होगा, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं है, चाहे वो मौजूदा सत्ता दल की बात हो या फिर विपक्षियों की बात हो। विपक्षियों ने साफ तौर पर कहा है कि हम बीजेपी को हराने के लिए हर मेहनत करेंगे और बीजेपी ने कहा है कि हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत भी किसी की नहीं है, हराना तो दूर की बात है। फिलहाल आज हम स्टूडियो से बाहर आए हैं और बाहर आने के बाद इस वक्त हम राजधानी लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पे मौजूद हैं। हमारे साथ पार्टियों के जो लीडर्स हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो मौजूद हैं और आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर राजनीतिक बयार किस तरफ बह रही है। ठंड तो लगातार बढ़ रही है, पारा लगातार गिर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक पारा है वो दरअसल इतना हाई वोल्टेज हो चुका है कि इन नेताओं को पता है कि जितनी जल्दी माहौल को और सही किया जाएगा, बनाया जाएगा, उतनी जल्दी उत्तर प्रदेश में सत्ता की चाबी भी
पाई जाएगी। 10 मार्च को नतीजे आएंगे, लेकिन माहौल आज से बना हुआ है। और अब हम आपको रूबरू करवाएंगे अपने मेहमानों से जो आज हमारे साथ आज डिबेट में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बीजेपी से शबनम पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रदीप तिवारी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, प्रीतपाल सलूजा साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और विश्लेषक के रूप में हमारे साथ सुभाष यादव जी हैं। आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शबनम जी के पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप सत्ता में हैं। शबनम जी, लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है, इस बात को बोला जा रहा है कि जिन योजनाओं के दम पर आप उत्तर प्रदेश में आए थे, अपने मैनिफेस्टो के दम पर आए थे, और जिन योजनाओं की बात आप कर रहे हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दे दिया, हमने विकास कर दिया, हमने सड़कें बनवा दी, सारी चीजें बेहतर कर दी, वो सारी बातें झूठी है। इस बात पर आपका क्या जवाब है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस प्रदेश का मुखिया कौन होगा और दोबारा से हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुखिया होंगे। वजह जान लीजिए, ये कहते हैं कि हमारी योजनाएं धरातल पर नहीं है, ये इनकी नकारात्मक राजनीति है। विपक्ष में रहते हुए भी ये अगर जनता लाभान्वित होती है तो कहीं ना कहीं इन्हें परेशानी होती है। इसीलिए इनके सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जिन्ना और पाकिस्तान पर चले आते हैं ताकि हम अपने विकास को बोलेंगे, हमारी विकास की बातें होंगी, तो जनता जो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है, जिसका एजेंडा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है, उस एजेंडे से ये अपने को पीछे पाते हैं। तो ये बार बार तरह तरह की जिन्ना और पाकिस्तान तक चले जाते हैं। आज अपने देश का मान गिराते हुए ये भी कह देते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। तो इसी से पता चलता है ये कितने ये भी कह रहे थे कि अगर आप लोगों ने सब कुछ बेहतर किया होता, सब कुछ अच्छा होता, तो आपके पार्टी के नेता इनके घर नहीं जाते। देखिए, यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों में। हमारे बड़े से बड़े नेता जनता के संपर्क में रहते हैं और हम इसको अपना अभिमान समझते हैं। ये अहंकार जब सत्ता में आते हैं तो अहंकार में डूबकर जनता को कीड़े मकोड़े समझने लगते हैं। इसीलिए कहावत बहुत प्रचलित है, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। जब सत्ता में थे तो जनता को कीड़ा समझते थे, और आज जब हम सत्ता में रहते हुए भी अगर हम जनता के बीच जाते हैं, ये गर्व की बात है, और हम जनता के सामने हमेशा हाथ जोड़ते रहेंगे और जनता को लाभान्वित करते रहेंगे। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रास्ते पे है, और दूसरी बारी भी हम ही जीत के आते हैं। 10 मार्च को आप देखिएगा, जनता हमें जो जनादेश देगी, हम सर्वोपरि रहेंगे और हम जनता की सेवा फिर से करेंगे। मैं आता हूं आपके पास, मनोज यादव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं। मनोज भाई, आपने सुना शबनम जी ने क्या कहा कि हमारी जो योजनाएं हैं वो बेहतर तरीके से जमीन पे हैं। आप लोग जब सत्ता में थे तो आप लोग जनता को कीड़ा मकोड़ा क्यों समझते थे? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि शबनम जी ने इस बात को कहा। अगर हमारी सरकार में जनता कीड़ा मकोड़ा होती तो हमारी सरकार का कोई मंत्री का बेटा किसानों को कीड़ा मकोड़ा समझ के उस पर गाड़ी पीछे से चढ़ा देता। किसके मंत्री ने गाड़ी चढ़ाई, किसने इंसान को कीड़ा मकोड़ा समझा? क्या आप अपनी पत्रकारिता के अनुभव के आधार पे या अपने जीवन के अनुभव के आधार पे कह सकते हैं कि कभी उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना घटित हुई कि किसी मंत्री के धमकी देने के बाद उसके बेटे और गुंडों ने किसानों को जिंदा कुचल के मार दिया हो? ये तो कभी नहीं हुआ। तो कीड़े मकोड़े जो समझते थे, उन्होंने कीड़े मकोड़ों जैसा जनता के साथ व्यवहार किया, एक बात। दूसरी बात आती है कि मैं कहता हूँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। समाजवादी पार्टी जिस जगह पे आज आपके साथ हम बात कर रहे हैं, ये समाजवादियों का काम है। हमें जिन्ना और पाकिस्तान पे जाने की क्या जरूरत है? अगर किसी से कोई तुलनात्मक बात है, कोई है तो उस पर कोई बात कही गई, आप उस पर बार बार जा रहे हो। हमने तो जो कहना था कह दिया और उस बात को खत्म कर दिया, लेकिन बीजेपी बार बार वहीं जा रही, बार बार जा रही, राजी नहीं है, मना कर रही है। देखिए, दरअसल में उनके पास प्रॉब्लम क्या है ना, बताने को कुछ नहीं है। एक पिक्चर का गाना आया था और शबनम जी को बेहतर पता होगा क्योंकि उनके जमाने का रहा। आजकल आप लोग गाने बड़े रिलीज कर रहे हैं। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, तो बीजेपी जहां जहां डिबेट करेगी लखनऊ में समाजवादियों का काम होगा। जहां भी आप खड़े होकर डिबेट करोगे, समाजवादी पार्टी ने वहां डेवलप कराया होगा। इस नदी पे मैं अपना एक्सपीरियंस अनुभव बता रहा हूं। एक गाना और है मनोज भाई, यूपी में काबा, उस पे भी बीजेपी वाले नाराज हो गए। नहीं, अब वो नाराज होंगे क्योंकि लोग गीत गायिका हैं, उन्होंने उसका जवाब दे दिया। और जवाब दिया जब इनके एक बड़े सांसद ने गा के बताया कि उत्तर प्रदेश में या बा, तो उन्होंने जवाब दे दिया। खैर, बेहतर जवाब है, अब तक उसका कोई जवाब दोबारा नहीं आ पाया।
मैं आज से कम 15 साल पहले, लगभग 14 साल पहले इसी रिवर फ्रंट पे गणेश चतुर्थी में जो विसर्जन किया जाता है गणेश जी की, जो पूजा होने के बाद, इसी घाट पे मैं आया था पत्नी के साथ। विश्वास करिए, मैं नाक पे रुमाल बांध के आया था और फिर भी नहीं यहाँ रुक पा रहा था। आज हम सब लोग यहाँ बैठ के डिबेट कर रहे हैं कितने बेहतर तरीके से। तो समाजवादियों के काम में खूबसूरती है, गंदगी नहीं है। समाजवादियों के काम में स्वच्छता है, गंदगी नहीं है। अब ये भी माना जाए ना कि 5 साल सरकार है बीजेपी की, तो उन्होंने भी यहाँ पर काम किया, तभी हम लोग यहाँ पे खड़े। कौन सा काम किया? कितना शानदार झरना लगा था इन दोनों पुलों पे। आप कैमरा घुमा के दिखवाइए वो झरने, वो सारी लाइटिंग, वो बेहतरीन जो विदेशों में देखने को मिलती है, कहाँ चल रही है? आप दिखाइए ना, ये कितना सुंदर फव्वारा चलता था गोमती नदी में, कहाँ चल रहा है? कितनी अच्छी बोटिंग होती थी, कहाँ चल रही है? अरे जो लखनऊ के लोगों के लिए बेहतर चीजें थी वो सब कुछ बीजेपी ने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें प्यार नहीं पसंद है, इन्हें परिवार नहीं पसंद है, इनको तो एकांतवास चाहिए। और इस एकांतवास में पता नहीं किस चीज का सेवन करते हैं, वो मैं कह नहीं पाऊंगा आपके चैनल से। मैं आता हूँ, प्रदीप तिवारी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए। प्रदीप भाई, ये तो बात हो गई विकास की, शबनम जी ने बताया उन्होंने क्या कर दिया, मनोज भाई ने बताया हमने क्या कर दिया, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग की तरफ से तो कहा जा रहा है कि हम इस बार बेटियों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कुछ बेटियां तो आपकी बीजेपी में चली गई हैं, कुछ बेटियां आपकी नाराज होकर सपा की तरफ जा रही हैं, बीजेपी कह रही है कि कैंडिडेट नहीं मिल रहा है आप लोगों को, क्या तैयारी है? हाँ जी, तैयारी देखिए, तैयारी चुनाव के वक्त में नहीं कर रहे हैं हम लोग। हमारी आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं, और जब भी किसी बेटी का मुद्दा हो, चाहे वो हाथरस की बेटी का बलात्कार का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, जब भाजपा के गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा षड्यंत्र के तहत किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई जाती है, तो लोग रात में अपने घरों में सोते रहते हैं, जो आज राजनीति में उतर आए हैं कि हाँ हमको पार्टी जिता देगी। तब आदरणीय प्रियंका गांधी जी रात में 12 बजे चल देती हैं उस किसान को न्याय दिलाने के लिए। तो हम लोग आज तुरंत अभी इसको तो बीजेपी प्रोपोगंडा कहती है। नहीं, प्रोपोगंडा नहीं है ये, इनको प्रोपोगंडा लगेगा जो किसानों के हित की बात नहीं करते हैं, जो किसानों को छलने की बात करते हैं। दिल्ली बॉर्डर पे 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। इस तरह की बात आप लोग करते हैं तो बीजेपी कहती है कि भैया जहां जहां तुम्हारे मुख्यमंत्री है वहां आप लोग नजर नहीं रख रहे हो, आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आकर अपनी योजनाएं बताने की कोशिश नहीं करते, वो ये बताते कि यूपी में क्या है। नहीं, हमारे देखिए, चाहे पंजाब की सरकार हो, पंजाब में मुख्यमंत्री हो हमारे, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे राजस्थान में हो, हर जगह हम लोग काम कर रहे हैं और रोजगार दे रहे हैं। आज का जो मुख्य मुद्दा होना चाहिए कि हाँ कितने लोगों को इन्होंने रोजगार प्रोवाइड कराया। ये जो चुनाव लड़ेंगे, इन्होंने पिछले घोषणा पत्र में क्या क्या कहा था कि हम 70 लाख रोजगार दे देंगे, विधानसभा के अंदर बताते हैं कि हमने 4.5 लाख रोजगार दिया है, देख लीजिए आप, चेक कर लीजिए। नहीं दिया है क्या? 70 लाख कह के 4.5 लाख कितना परसेंट हुआ? तो ये इनका आंकड़ा है, 4.5 लाख कह के कितने परसेंटेज पे दिया है, क्या प्रगति करी इन्होंने। उसके बाद ये देख, जब बेरोजगार आता है यहाँ पे, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का बच्चा हो, उसके ऊपर क्या करते हैं, वो जो अपना हक मांगता है तो उस पर लाठी चलाने का काम करते हैं। और षड्यंत्र के तहत इनके जो शिक्षा मंत्री थे बेसिक के, सतीश द्विवेदी जी, उनके भाई साहब क्या करते हैं, EWS कोटे का अपना सर्टिफिकेट बनवा करके फ्रॉड करके नौकरी ले लेते हैं। जब मीडिया और जनता उस पर सवाल उठाती है तब जाकर के उनको वहां से हटाया जाता है। की लड़ाई किस तरह से देख रहे हैं, क्या ये टू विंडो फाइट है या फिर मल्टी कॉर्नर फाइट? देखिए, इस बार देखिए, हमारी पिछले लगभग 30 वर्षों से अधिक हो चुका है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाई है। अब इस बार जो है वो, जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, तो आप भी जो मीडिया के तथाकथित चैनल हैं जो फाइट दिखा रहे हैं कि आजकल सपा और भाजपा में फाइट चल रही है, मैंने तो दिखाई नहीं है। नहीं, जो मैंने बोला ना, मैंने आपको नहीं बोला, मैंने कहा जो तथाकथित कुछ फेवरेट चैनल हैं वो दिखा रहे हैं कि ये लीड कर रहे हैं, ये लीड कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप ठीक ठाक विधायक जीत के आ गए और सपा और बीजेपी दोनों में से किसी को आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, आप किसको करेंगे? नहीं, ठीक ठाक विधायकों की बात नहीं है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं 10 मार्च। जी हाँ, हम सरकार बनाने, देखिए ये अब उनका वो किस नजरिए से देख रहे हैं, ये उनका विचार है, उनको हंसी आ सकती है। देखिए, ये इन्होंने भी नहीं सोचा होगा, जब इनकी सरकार 2012 में बनी तो इनको भी नहीं पता होगा कि हाँ हमारी सरकार बनने जा रही है। तो ये जनता है, जनता क्या सोच रही है, जनता को मुद्दे, जनता के मुद्दे क्या है? बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, कहते हैं कि हमने सुरक्षा कवच तैयार कर दिया, आजकल सुरक्षा चक्र नाम दे करके उसमें बेटियों की फोटो लगाई जा रही है। तो ये हाँ, तो वो उनको टिकट नहीं मिला है, अब भाजपा ने उनसे प्रॉमिस किया है कि वो सरोजिनी नगर विधानसभा से उनको टिकट देंगी, तो हम तो चाहते हैं उस बेटी को टिकट दे भाजपा। अदिति सिंह की बात, अच्छा अदिति सिंह की बात कर रहे हैं, तो अदिति सिंह की देखिए विचारधारा आजकल उनकी चेंज हो गई है, अब वो विचारधारा भाजपा की विचारधारा से उनकी मैच करने लगी है, तो वो वहाँ चली गई है। प्रीतपाल सलूजा साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए। प्रीतपाल जी,
आप लोग का एक अलग चीज चल रहा है, आप लोग लगातार सबसे ज्यादा कैंडिडेट अब तक आप लोगों ने घोषित कर दिए, 205 कैंडिडेट। आप कह रहे हैं हमारे सारे कैंडिडेट पढ़े लिखे हैं, सब साफ सुथरी छवि वाले हैं, तो ये आइडिया कहाँ से आया? क्या बाकी पार्टियों की तरफ से जो कैंडिडेट घोषित हो रहे हैं या जो जीते हुए हैं वो साफ सुथरे नहीं है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग की है, वो दिल्ली में भी हम लोगों ने सफल उसका प्रयोग किया है, अब हम पंजाब में भी कर रहे हैं, गोवा में भी कर रहे हैं, उत्तराखंड में भी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो हमारे जितने प्रत्याशी हैं आप उसमें देखेंगे, कई उसमें पीएचडी होल्डर हैं, कई डॉक्टर हैं, कई अधिवक्ता हैं, यानी पढ़े लिखे समाज से जिनके पास विजन है, जो कुछ दे सकते हैं, जो युवाओं को नौकरियां देने के लिए उनके पास विजन है, उनको महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए उनके पास विजन। तो बीजेपी ने भी दिए बता रहे 5 लाख नौकरी दे रखे हैं, तो हंसी के पात्र बन गए ना युवा। देखिए, आपके सामने सुन रहे हैं इस बात को, 70 लाख नौकरियों का वादा देने के बाद, आप जब उत्तर प्रदेश में आए थे 2017 जब चुनाव चल रहा था, इन्होंने वादा किया था बहुत हुई बेरोजगारी आपकी बार भाजपा सरकार, कह रहे कि साफ सुथरी तरीके से भर्ती करी, इस वजह से 5 लाख दे पाए। तो 14 कम से कम भर्तियां इन्होंने निकाली, 14 की 14 भर्तियां अभी कोर्ट में कहीं लंबित हैं, कहीं विवाद में फंसी हुई हैं, कहीं पे पर्चा लीक हो जा रहा है। युवा हमारा क्या मूर्ख है? युवा ने जब आपको वोट दिया था तो उन्होंने कहा था मुझे नौकरी दो, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि युवा ये चाहता है कि आप हमें इज्जत की नौकरी दे दो, हम अपने परिवार को, अपने घर को, अपने सम्मान को खड़ा कर लेंगे। मगर जो 70 लाख की नौकरियों का वादा किया करते थे 2017 में, वो आज विधानसभा के अंदर कहते 4.5 लाख नौकरियां दे दिए, किस कॉन्फिडेंस से इस बात को वो कहते? क्या युवा इस बात को मान जाएगा? आज हमारी बेटी रात को 2 बजे मिट्टी का तेल जला के जला दिया जाता है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ एक वाल्मीकि समाज के बच्चे को थाने में मार मार के मार दिया जाता है। गोरखपुर में जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, वहां पे एक व्यापारी को जिसको पुलिस वाले मार देते हैं, उनके घर पे बुलडोजर जो चलाने का बहुत दावा किया करते थे योगी आदित्यनाथ जी, उनके घर पे बुलडोजर नहीं चला पाए। देखिए, युवा, व्यापारी, हर वर्ग इनसे त्रस्त हो चुका है। इसी एनआरसी में आपने देखा होगा, एनआरसी में क्या स्थिति थी देश की? मेरा एक सवाल है कि पहले आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ कोशिश कर रहे थे कि कुछ चीजें बन जाए, नहीं बनी। अगर इन फ्यूचर आप लोगों को सपोर्ट किसी को करना रहा तो कांग्रेस को करेंगे या समाजवादी पार्टी को करेंगे? क्योंकि बीजेपी को तो नहीं लगता करेंगे आप लोग। जो हम लोग सोशल इंजीनियरिंग करके अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, जिस तरह हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, हम लोगों को नहीं लगता कि हम लोगों को किसी के साथ जाना पड़ेगा। ऐसी कोई स्थिति खड़ी होगी तो भविष्य में इसका आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, मैं आता हूं आप लोग के पास। सुभाष यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। सुभाष जी, सबकी बात सुन ली आपने, सबके वादे आपने सुन ले, सबने ये बता दिया कि हमने क्या किया और क्या हो सकता था, क्या हमने किया था। आप किस नजर से अब इस उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख रहे हैं? क्योंकि पहले चरण का मतदान काफी करीब है और उस मतदान के बाद या उस मतदान के पहले लगातार जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो जारी की जा रही है, बयानों का दौर चल रहा है, जिन्ना वाला मामला भी सामने आ गया है, मंदिर का भी है, मथुरा का भी है, कई सारे मामले हैं। इन सारे मामलों को देखते हुए इस वक्त उत्तर प्रदेश का चुनाव किस तरफ? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव इस समय जो चल रहा है, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो जिन्ना का विवाद हो रहा है या दूसरे जो चीजें आ रही है, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता इस समय वर्तमान के अंदर बहुत ही ज्यादा समझदार हो गई है, जागरूक हो गई है। इस बार का जो उत्तर प्रदेश का 2022 का जो चुनाव होगा, ये मुद्दों के आधार पर होगा, एजुकेशन के आधार पर होगा, शिक्षा के आधार पर होगा, बेरोजगारों के रोजगार के ऊपर आधार पर होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास शायद कुछ मुद्दे बचे नहीं हो, और इससे पहले जितने भी अपने इतिहास रहे उत्तर प्रदेश के अंदर कि कोई भी सरकार दोबारा रिपीट नहीं आई है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में कुछ चीज बची नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं कि जिन्ना के मुद्दे को लेकर आ रहे हैं पोलराइज करने के लिए, जो चीज पहले कर रहे थे वही चीज फिर लेके यहाँ पे आ रहे हैं। तो वर्तमान के अंदर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से जागरूक हो गई है, यहाँ का युवा भी पूरी तरीके से जागरूक हो गया है, मुद्दों के आधार पर ही चुनाव होगा। अभी जैसे कि प्रदीप तिवारी जी ने भी एक बात बोली कि जो तथाकथित पत्रकार जो दिखा रहे हैं कि इसमें लड़ाई सिर्फ समाजवादी पार्टी की है या भारतीय जनता पार्टी की है, तो मैं समझता हूँ कि ये वास्तविकता भी है। मैं कल का आपको वाक्य बताता हूँ, मैं यहाँ पे घंटा घर के पास था, पब्लिक रिव्यू चल रहा था, वहां के लोगों से जब पूछा गया तो वहां के लोगों ने भी यही बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी को हराने में अगर कोई सक्षम है तो इस समय वर्तमान में समाजवादी पार्टी है। जी तो कह रहे थे हम सरकार बना देंगे। हर पार्टी का ये देखिए लोकतांत्रिक अधिकार है, वो तो बोलेंगे ना, अपनी पार्टी का पक्ष तो रखेंगे वो कि सरकार बना रहे हैं, लेकिन वर्तमान के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता को अच्छी तरीके से ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने में अगर कोई सक्षम है तो समाजवादी पार्टी सक्षम है। तो ये उनको अपना सपना देखने दे दीजिए। प्रदीप जी को मनोज जी का साथ देना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यहाँ समझता हूँ साथ देना चाहिए। अगर आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, आम आदमी पार्टी की लड़ाई अगर भारतीय जनता पार्टी से है, तो आना चाहिए सबको एक मंच पे। यहाँ पे मैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी की तारीफ करूंगा और उनका सपोर्ट करूंगा, क्योंकि वो नई प्रथा की तरफ जा रहे हैं।
शिक्षित लोगों को जगह दे रहे हैं, ग्रेजुएशन वाले लोगों को जगह दे रहे हैं, ये बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति हो चाहे भारत देश की राजनीति हो, शिक्षित लोग ज्यादा से ज्यादा अगर राजनीति के अंदर आएंगे तो उनके अंदर का जो विजन रहता है, एजुकेशन का जो विजन रहेगा, रोजगार का विजन रहेगा, शिक्षा का विजन रहेगा, वो लोग उसको लेके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये इनकी बहुत ही अच्छी पहल है। आपने सबकी बात कर दी लेकिन क्लियर ही नहीं किया कि चुनाव जा किधर। देखिए चुनाव तो मैंने आपको बताया ना, उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा जाए तो दोनों पार्टियों के बीच का चुनाव रह गया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर कोई लड़ाई होगी तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही होगी। शबनम जी क्या कहना चाह रही थी, काफी देर से आप कुछ बोलना चाह रही थी, जब मनोज भाई बोल रहे थे तब भी और जब प्रदीप जी बोल रहे थे तब जी। सबसे पहले प्रदीप जी बोल रहे थे, प्रदीप जी से आपने पूछा कि आप चुनाव में आपका क्या रिजल्ट रहेगा, तो ये कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे। पर इनकी प्रियंका गांधी जी ने अभी दो दिन पहले ही एक इंटरव्यू में पहले ही हथियार डाल दिया कि हम समर्थन देंगे जो जो भी सरकार बनाते रहे, अब वो जिसको भी समर्थन दें। लेकिन अभी हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा इन्होंने भारी तौलना चाहा सपा को, लेकिन हम इनको जरूर बताएंगे कि कंपेयर नहीं किया, उन्होंने कहा लड़ाई ठीक ठाक चल रही है। नहीं ठीक ठाक चल रही है, लेकिन आप ये सोचिए कि जनता भी जब वोट देने जाती है तो रास्ते में जरूर उस 5 साल को याद करेगी जिस समय गुंडागर्दी चरम पे थी, बेटियां बाहर नहीं जा सकती थी, बेटियों पे कहते हैं राजनीति करते हैं बेटियों पे, पर प्रजापति जैसे रेपिस्ट को पूर्व मुख्यमंत्री मंच पे लेके घूमते रहे। अगर हमारे कार्यकाल में किसी ने बेटियों की तरफ देखा तो हम उस आरोपी को जेल में भेजकर ही हमने चैन लिया, हमने आरोपियों पे कार्रवाई की, माफियाओं पे कार्रवाई की। वो जमाना क्या था जब सपा की सरकार थी, तो प्रजापति जैसे तो कह रहे कि कुछ लोगों को चिन्हित करके उन्हीं के घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। देखिए लखीमपुर में बुलडोजर क्यों नहीं गया, मैं आपको बताती हूँ, इनके जितने प्रवक्ता हैं सब कहेंगे कि माफियाओं का लिस्ट हमारे पास है, जब सत्ता में थे तो लिस्ट को जेब में लेके क्यों घूम रहे थे, कार्रवाई क्यों नहीं किया, क्यों बुलडोजर नहीं चलाया, आज जब बुलडोजर चल रहा है तो लिस्ट बता रहे हैं। तो ये इनका मुखौटा सामने आ जाता है जहां ये लिस्ट उजागर करते हैं, क्योंकि उस वक्त ये उनको संरक्षित करते थे, उनके कंधे से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं अपने परिवार का विकास करते थे। पर आज भारतीय जनता पार्टी के राज में माफियाओं को मुंह की खानी पड़ी, यहाँ तक एक माफिया तो ऐसा है जो कांग्रेस की सरकार जहाँ थी वहां जाके संरक्षण पाया हुआ था। और ये कांग्रेस की जो सरकार है इसमें देखिए आज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कितना बड़ा तहमत लगाया है सिद्धू पे कि पाकिस्तान से उनकी सिफारिश आ रही थी कि उनको मंत्रिमंडल में रखा जाए। तो ये अगर पाकिस्तान और जिन्ना का अगर देखा जाए तो हमने एक बार भी उसको सामने नहीं लाया। आज ये लोग ही जब सरदार पटेल जी की जयंती होती है तो जिन्ना से उनको कंपेयर करते हैं, आज कहते हैं चीन हमारा दुश्मन है पर पाकिस्तान तो को तो राजनीतिक दुश्मन बना। अगर ये बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सपा आज सपा कहीं ना कहीं ऐसा है कि उसे हताशा है कि हम हार रहे हैं, तो वो पाकिस्तान और तमाम ऐसे मुद्दे ला रहे हैं। पर अगर देखा जाए तो हमने महिलाओं को सशक्त ही नहीं किया, 1 करोड़ महिलाओं को 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में रोजगार दिया है, और हमने ODOP के तहत युवाओं को रोजगार दिया है, सरकारी नौकरियां 4.5 लाख हमने दी है। तो अगर गिना जाए तो हमने 70 लाख अगर बोला है तो 1 करोड़ तो महिलाओं को ही हम दे रहे हैं रोजगार। इन लोगों को गिनती नहीं आती, इन लोगों को नहीं गिनती नहीं, ये हताश हैं इसीलिए ये मुद्दे भटका रहे हैं, जिन्ना और पाकिस्तान ला रहे हैं। ये जानते हैं कि ऐसा विकास आज तक नहीं हुआ जिस तरीके से आज एक गरीब महिला भी अपने घर में शौचालय देख रही है, अपने आवास मिल रहा है, उसे बिजली कनेक्शन मिल रहा है, हर घर नल मिल रहा है, और मुफ्त में राशन 2 साल से जनता को 15 करोड़ करीबन जनता को मुफ्त राशन मिला है, जबकि खाद्य सुरक्षा बिल पिछली सरकार ने लाई थी सेंट्रल की, लेकिन उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकार होने से उसको लागू नहीं किया गया, और जो केंद्र में भी सरकार थी उसे कोई उसकी चिंता नहीं थी। आज डबल इंजन की सरकार ने जनता की सहूलियतों का ध्यान रखा है और रफ्तार हमारी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी तक को मजबूत किया, 6ठे से 2रे स्थान पे लाया है। देखिए अब बीजेपी अगर इतना कह रही है, वो कह रहे कि आप लोगों को गिनती भी नहीं आती, इतनी नौकरियां दे दी आप लोगों को पता भी नहीं चला, आप बता रहे कि खाली 5 लाख 5 लाख करोड़ों नौकरियां बट गई है। 4.5 लाख मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, एक व्हाइट पेपर श्वेत पत्र जारी कर देते कि वो 4.5 लाख नौकरियां
किन किन डिपार्टमेंट में दी, कितना आसान था आपकी जानकारी। एक की भीड़ महिलाओं की दिखा रही थी कि बीच में मैं डिबेट अपनी बात रख लूं, इसके बाद आप जरूर जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं क्या इस सरकार ने अपने 4.5 लाख नौकरियों को लेके विभागवार, चूंकि मैं इस जरूर सवाल इसलिए उठा रहा हूँ, RTI डाली गई तो सूचना विभाग उत्तर प्रदेश ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि 4.5 लाख नौकरियां किस विभाग में दी गई हैं। जो शिक्षा मित्र वाली नौकरी थी, जो समाजवादी पार्टी ने लगभग 1.5 लाख लोगों को नौकरियां दी थी, उन नौकरियों को खत्म करके पुनः जो आई है नौकरियां, वो तो वही नौकरियां थी जो नौकरी की बात हो गई। ये तो नौकरी की बात हो गई, राशन की बात भी तो कह रही है, राशन वाले मुद्दे पर क्या जवाब है भाई? ये बेहतर सवाल, धन्यवाद आपको। 5 किलो राशन 5 ट्रिलियन वाली, इसका तो कुछ तोड़ी नहीं है। एक मिनट 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनाने वाले लोग कह रहे हैं 5 किलो राशन 1 शौचालय, ये इनका डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश में और देश में। मैं बड़ा हतप्रभ रहता हूँ कि हम सरकार हमारी होती तो हम लैपटॉप देते हैं, लैपटॉप की कीमत क्या है सबको पता है और उसका काम कितना है और उसका महत्व कितना है ये सबको पता है। हम बच्चियों को साइकिल देते हैं, हम इस तरह की अनगिनत उनको कन्या विद्याधन देते हैं, हम उनके शिक्षा के लिए और उपाय करते हैं, हम टेबलेट और मोबाइल देने की भी बात कर रहे थे, सरकार चली गई। लेकिन इतनी डबल इंजन की सरकार 1 लाख टेबलेट बांट पाई, 1 लाख ठीक है ना, आपके काम को आगे बढ़ाया उन्होंने, एक लाख टेबलेट लैपटॉप तो बांटा ही नहीं, कह नहीं रही है वो परेशान इस बात से है। मैं बता भी रही हूँ, हम तो 1 करोड़ स्मार्टफोन बांटने की बात कर रहे हो, टैब बांटने की बात कर रहे हो, उसका वितरण हो रहा है और आप अगर मुफ्त राशन कहते हैं हम नहीं दे पाए तो सही कह रहे हैं। ये राशन में भी घोटाला था इनके समय में, कितने लाख राशन कार्ड फर्जी बनाए थे जो इनके चार पहिया वाहन रखने वाले लोगों ने राशन रखा था, और इन्हें ये भी नहीं पता है कि 5 किलो अगर मिल रहा है तो प्रति व्यक्ति मिल रहा है और राशन कार्ड में मुखिया महिला रहती है। देखिए हमारी सरकार थी तो कितने करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा था, वो फर्जी कार्ड की बात कर रहे थे, लेकिन जब इनकी सरकार आई तो 22 करोड़ आबादी में 16.5 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, तो राशन किसको देना पड़ रहा है और गरीबी किसकी सरकार में बनी, इस आंकड़े पे कौन चर्चा करेगा? 16.5 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में अगर आज सरकार से राशन पा रहे हैं, इसका मतलब आपने नौकरी भी छीनी है, आपने लोगों का व्यापार भी छीना है और आपने लोगों के जेब को काटा है, सरेआम काटा है, इसलिए आज उनको राशन देना पड़ा है, क्योंकि उनके पास ना काम है ना धाम है। आप कहाँ राशन कार्ड के चक्कर में अभी पड़ी हैं? आप ये बताइए ना, अपमानित मत करिए, हम अपमानित नहीं कर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं आपने उत्तर प्रदेश में अगर करोड़ों नौकरियां दी तो आपको राशन क्यों देना पड़ा है? क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में लोगों को हमारे कार्यकर्ता नहीं थे सुनो, हमने तो बीजेपी वालों को भी लैपटॉप दिया और आज मैं दावे से कर रहा हूँ आपके चैनल पे, अगर उसका एक सर्वे करा लो, इसीलिए तो उसकी जांच नहीं कराई, क्यों सारी रिवर फ्रंट की जांच करा ली, सबकी करा ली, लेकिन लैपटॉप वाले इसलिए नहीं कराए क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई पाने वाले थे तो बीजेपी के लड़के पाने वाले थे। बेरोजगारी ये भी घोटाला बता रही ना, हो गया आप लोग ने घोटाला को धन्यवाद देता हूँ। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी 2012 से 14 तक हमने बेरोजगारी भत्ता दिया 3,000 रुपए के करीब, लेकिन जब 14 में एक महामानव आए इस देश में और कहा कि मैं आते ही यूं ही मेरे हाथ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, यूं ही 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ जाएंगे, तो हमने अपना बेरोजगारी वाला जो भत्ता था बंद कर दिया कि अब तो सबके अकाउंट में 15 लाख आ रहे हैं, हमारे 3,500 की क्या जरूरत, लेकिन वो 3,500 भी चले गए तो और लोकसभा में मोदी की सरकार बन गई और 15 लाख के 15 रुपए नहीं आए, 15 लाख से ज्यादा की सुविधा जनता को दे रहे हैं, हम जनता को आवास, शौचालय, बिजली, हर घर नल, और मैं मान रहा हूँ कि आप लोगों ने सब कुछ दिया, ये लोग नहीं मान, राशन महंगा और महंगा कर दिया, और ये बेरोजगारी भत्ता देते थे उसमें घोटाला, ये लैपटॉप बांटा उसमें घोटाला, इन्होंने राशन कार्ड बनाने में घोटाला बनाया, लगातार घोटाला
करके अपना परिवार बढ़ते रहे, पर जनता की सुध नहीं ली, जनता ने इसीलिए। मैं आता हूँ आप लोग के पास, मैं आता हूँ। प्रदीप भाई ये बताइए, आवास, शौचालय, राशन, ये सारी चीजें मिल रही कि नहीं मिल रही है आपको? जब मिल रही है तो फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस? अरे बीजेपी के बारे में बोल दीजिए। देखिए पहले तो मैं पहली बात जो कही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उस पर जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि हमने जो 70 लाख नौकरियों का वादा किया था उसमें से 4.5 लाख हम दे इसलिए पाए हैं क्योंकि हम साफ सुथरी भर्ती कर रहे थे। तो इनकी साफ सुथरी भर्ती का रिकॉर्ड ये है कि 2017 में जब ये आते हैं तो सबसे पहले दरोगा भर्ती का फॉर्म आता है, पता चलता है कि पेपर लीक। उसके बाद क्या होता है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का फॉर्म आता है, पता चलता है पेपर लीक। नलकूप चालक का फॉर्म आता है, पेपर लीक। बीएड का फॉर्म आता है, पेपर लीक। पेट का फॉर्म आता है, पेपर लीक। अधीनस्थ चयन सेवा लोक आयोग का जो पेपर आता है, लोअर सबॉर्डिनेट का, वो भी पेपर लीक। रिसेंटली अभी टेट का पेपर हुआ नवंबर में, पेपर लीक। तो ये इनकी, और उसमें टेट का जो पेपर लीक होता है, पेपर लीक करवाने में सरकार की थोड़ी ना भूमिका। आप, मैं वही बताने जा रहा हूँ, टेट का जो पेपर लीक होता है वहाँ पे बीजेपी की विधायिका जो रश्मि वर्मा जी हैं उनके भाई साहब का नाम आता है उसमें। मगर क्या होता है, योगी सरकार जो है वो लपचूजी है, वो क्या करती है, एक जाति विशेष की तरफ बुलडोजर उनका चलता है। वहां पे जब विधायिका जी के भाई का नाम आता है तो वहां बुलडोजर क्या होता है, वो रास्ता भूल जाता है, उधर नहीं चलेगा। इनके क्या कहते हैं, जब बहुत ज्यादा कहते हैं कि हाँ इस सरकार में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी थी, अभी इन्होंने बहुत बढ़िया शासन व्यवस्था, 25,000 के इनामी बदमाश के लिए इनके सरकारी अधिकारी क्या करते हैं, क्रिकेट की पिच तैयार करते हैं, उस पे आकर के वो बल्लेबाजी करते हैं। अधिकारियों से, जब पुलिस अधिकारियों से पूछा जाता है कि क्या है इनके खिलाफ, तो 25,000 का इनाम है, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उनके लिए ऊपर से लखनऊ से बोल रही थी, अभी वो बोल रही थी कि कहीं पर आपकी सरकार है वहां पर भी किसी माफिया को रखा गया था। देखिए हमने ये कानून व्यवस्था का मामला है, मंडल में शामिल होने की सिफारिश आती है सिद्धू के लिए, अब ये इससे ज्यादा क्या बोलेंगे। और सबसे ज्यादा माफियाओं के लिए आंसू बहा रहे हैं, माफियाओं और आतंकवादी, माफियाओं और आतंकवादियों की सिफारिश करते हैं, उस पर कार्रवाई होती है तो ये रोते। मैं देखे, ये देखे ये देशभक्ति की बात करते हैं। कल नेताजी की जयंती थी, 125वीं जयंती थी, और आरएसएस की विचारधारा के ये लोग, आरएसएस की पत्रिका में कार्टून छापा जाता है, क्या छापा जाता है, 10 गांधी जी को बीच में दिखा करके अगल बगल जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हमारे उनकी फोटो लगाई जाती है, और उसमें हमारे नेताजी की भी फोटो होती है, और कहते हैं ये वन पार्ट ऑफ रावण है, रावण का जो एक सर का पार्ट है वो नेताजी। ये उस विचारधारा के लोग हैं, ये क्या करते हैं, ऐसी विचारधारा के लोगों को ले जाकर के संसद में बैठाते हैं, सांसद बना के बैठाते हैं, जो गांधी जी की प्रतिमा पर फोटो पे गोली चलाने का काम करते हैं। तो इनकी विचारधारा देखिए क्या है, ये देशभक्त हो सकते हैं, उस पे इनके पास कोई जवाब नहीं होगा कि इन्होंने ऐसी महिला को ले जाकर के वहां संसद में क्यों बैठाला है, बताइए भाई, जवाब दीजिए, जिन्होंने गांधी जी की प्रतिमा के ऊपर गोली चलाने का काम। देखिए आश्चर्य की बात है कि जब सत्ता में रहे इन्होंने कुछ किया नहीं, जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया, और उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को 30 साल का वनवास दिया, और सपा को भी, सपा लगातार 14 हो 17 हो 19 हो तरह तरह के गठबंधन बनाने में लगे हुए हैं कि आज मैं बुआ के साथ जाऊंगा, आज मैं लड़के के साथ जाऊंगा, आज मैं किसी और के साथ जाऊंगा, लेकिन ये गठबंधन इनको, इनके लिए सफल नहीं होगा, क्योंकि जनता के साथ गठबंधन होना चाहिए, और हमने जनता के साथ गठबंधन किया, जनता का काम किया, केवल जनता को केंद्र में रखकर, और महिला किया है कि हर युवा को परेशान किया इन्होंने, उसको इतना फॉर्म में भरा करके पैसे जो फॉर्म में भरता वो वेस्टेज करवाया, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़वाई, ये काम किया इन्होंने जनता के लिए। मैं ये कह रहा था कि अभी आप जो सभी पहले बताइए, राशन वोशन मिल रहा है कि नहीं आपके किसी जानने वानने वाले को, या शौचालय वौचालय आवास आवास मिला कि नहीं मिला? राशन के ऊपर अभी मनोज जी ने बड़ी अच्छी तरह से बता दिया कि 24-22 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है, यहाँ पे 15 से 16 करोड़ जो लोग हैं, इसके लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, उन्होंने कह दिया तो उसी को मैं दोहरा रहा था, इसलिए मैंने उनका नाम बता दिया, हमारे अच्छे मित्र हैं वो, उन्होंने कह दिया कि 22 करोड़ 24 करोड़ की आबादी मित्र है, कि सपा भी मित्र है, हमारे सारे मित्र हैं, मित्र सब सभी पार्टियों में होते हैं, मगर एक विचारधारा की लड़ाई है, कोई हमारे देश से बाहर के थोड़े हैं, सब इसी देश के ही तो हैं, सबनम जी हमारी बहन है, मनोज जी भी हमारे मित्र है, वो भी मित्र है, प्रदीप जी हमारे मित्र है, आप भी हमारे मित्र है, इसी देश के हैं, कोई हम लोग विचारधारा की लड़ाई है, वो पार्टी अलग हो सकती है, विचारधारा का फर्क है बस। जहां 22 से 24 करोड़ की आबादी में 15 से 16 करोड़ रुपए भीख के राशन के लिए बैठे हों,
उस देश में, उस उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश उन्नत प्रदेश हो गया, या किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। अभी सबनम हमारी बहन ये कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में बहनें हमारी जो है बहुत सुरक्षित है। कुलदीप सिंह सेंगर का आपको नाम याद होगा, उन्नाव में उसके पिताजी की हत्या हो जाती है, उसकी माँ की हत्या हो जाती है, उसकी मौसी की हत्या हो जाती है, उसकी बुआ की हत्या हो जाती है, खुद वो सुरक्षित असुरक्षित महसूस करती है। आखिरकार 30,000 कोर्ट जो दिल्ली ने, जब ये केस ट्रांसफर होता है तो उसको उम्र कैद की सजा होती है, 2 साल तक बचाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। एक गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे चिन्मय आनंद जी, जिनका पूरा वीडियो वायरल हुआ था, पूरा देश विश्व ने देखा था कितना स्तर हमारा गिरा था, उसको बचाने का काम कौन करता है? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। एक गृह मंत्री और अभी अजय मिश्रा टेनी, जिसको आज तक ये हटा नहीं पाए अपने पद से, जिसका बेटा अजय मिश्रा टेनी उन किसानों के ऊपर जो हमारा अन्नदाता है, अगर वो अन्न उगाना बंद कर दे तो कहां से अन्न लेके आएंगे, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम करता, उसको बचाने का कौन काम करता है? सेंट्रल से मोदी सरकार, अमित शाह जी, और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी। और तो और छोड़िए, हमारे जो गृह मंत्री उत्तर प्रदेश की धरती राजधानी पे आते हैं, उनको दूरबीन से भी अपराधी नहीं नजर आते, जो बल्कि मैं समझता हूँ 10 मीटर पे भी नहीं वो बंदा खड़ा हो गया, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जो 120B का मुजरिम था उसको वो नहीं दिखे। देखिए सबसे बड़ी बात, दोहरा हाथ कंडा इनका है, इनको अपने जो लोग हैं वो अपराधी नहीं दिखते। आज तक बता दीजिए, मेरा चैलेंज है इस 5 साल में यहाँ उत्तर प्रदेश में और 7 साल में सेंट्रल में, कभी किसी भाजपा की यहाँ ईडी की आपने रेड देखी है? 27 एजेंसियां हमारे देश के अंदर है, 27 एजेंसियां जाके इन पे हमला, इनके ऊपर जांच नहीं कर पाई भाजपा की, यानी पूरी तरह साफ है। आपको पता होगा देश में जब नोटबंदी हुई थी किसी ने 2000 का नोट अभी देखा नहीं था, और इनके आईटी सेल के एक हेड है देहरादून से, वो ट्वीट करते हैं 2000 के नोट को कि 2000 का नोट इस तरह से आने वाला है। ये अपने लोगों को सारी सुविधाएं देते हैं, हमारी बहनों बेटियों युवाओं को नौकरी की बात आती है, बहनों बेटियों को सुरक्षा की बात आती है, तब इनको ये दिखता दोहरा मापदंड, तब ये बिल्कुल। देखिए मैं सत्ता में हूँ इसलिए मुझे ज्यादा वक्त दीजिए। तो टारगेट कर रहे हैं आप, सब टारगेट कर रहे हैं, मैं सबको जवाब दे दूं। सबसे पहली बात, सब नहीं, मैं हम सत्ता में दोबारा आ रहे हैं, शुरुआत में ही मैंने बता दिया। देखिए आम आदमी पार्टी जितनी चिकनी चुपड़ी बात करते हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। कितनी नौकरी दिया दिल्ली में? 402 नौकरियां दिया। गलत मत बोलिए, मेरे पास भी डेटा है, 402 नौकरियां दिया। और दिल्ली में जिस तरीके से एक जब ट्रंप गए थे, उसके ट्रंप आए थे उस वक्त दिल्ली में जिस तरीके से दंगा हुआ था, तो उस वक्त सुन ली आई थी तो किस कौन सा स्कूल दिखाया तब? आपको उत्तर प्रदेश का कोई स्कूल नहीं नजर आया, दिल्ली का स्कूल दिखाया, दिल्ली का शिक्षा मॉडल। और जब ट्रंप आए तो इनके सभासद, इनके विधायक कत्ले आम कर रहे थे, उसको ये भूल गए। हम तो अगर हम सत्ता में रहते हुए अगर हमारे एमएलए के घर भी छापा पड़ा और कोई भी गलत रहा, उन आरोपी को पकड़ा गया, किसी बीजेपी वाले क्या छापा नहीं पड़ा? नहीं, इनको मालूम ही नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है बीजेपी के एमएलए के घर भी जा, मैं ना नहीं, जो शिखर पान मसाला कानपुर वाला था वो छापा तो नहीं करता, वो तो मैं करता हूँ, बहुत पैसा पकड़ा। नहीं, लोग टारगेट क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं, बीजेपी ने अपना ही पैसा पकड़ के सपा के चक्कर में अपना ही डब्बा गोल कर लिया। अखिलेश जी इसीलिए छापा पड़ते एकदम बिलबिलाना शुरू कर दिए कि वो मेरा मित्र नहीं, उसका मित्र, इधर छापा नहीं उधर छापा, ये बिलबिलाहट बता रही थी कि वो मित्र किसका है। डिजिटल इंडिया फेल हो गया आप लोगों का। वही तो कह रही हूँ कि उनको पता चल गया, उनको उनके उधर छापा, सारी चीजें स्पष्ट है सामने, हमने एक्सेप्ट किया, 50 लाख रुपए नगद मिला उसको उन्होंने भी। मित्र वाले मित्र के घर छापा पड़ने पे बिलबिलाहट क्यों? हम तो कुछ नहीं बोल रहे थे, हम तो कोई नहीं बोल रहे थे। चुनाव का समय तब आपके यहाँ छापामारी होती है, उससे पहले पता नहीं कौन से चिलम का सेवन करते रहते सारे अधिकारी। ये आपके चोटी चोरी करते हैं तो आपको समझ नहीं आता? आपके तो राज्य अध्यक्ष आप लोग घूम करके अधिकारी ले जाते हैं, आप लोग कह रहे की वो मुख्य सचिव बदल गए और मुख्यमंत्री को पता भी नहीं चला, ये बात कितनी गलत है भाई। देखो अगर टोटी में ले गया तो कैसे पता लगेगा अगर आप किसी नशे में होंगे? तो नशा कम करो, पता चल जाएगा टोटी किसकी थी, टोटी चोर, टोटी चोर का बचाव कैसे कर रहे हैं ये? टोटी चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए, स्विमिंग पूल का खुदाई करते रंगे हाथ पकड़े गए। दर्जे की राजनीति भाजपा करती है, डबल इंजन की बुलेट ट्रेन की स्पीड की सरकार, और राजनीति का जो स्तर है उस स्तर पर ले आए कि ना तो अपने काम भी ना पाए, ना तो अपनी
की पैरवी कर रहे हैं और ना ही उन सारी चीजों को कह पा रही है जो अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने दर्ज किया था। क्या है मैनिफेस्टो की चीजें धरातल पर उतरी है, जनता लाभान्वित हुए, हमें डिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं। जनता के क्या हुआ 6,000 रूपए 1.5 करोड़ किसानों को आपके सामने हो गए, हमने गन्ना मूल्य गन्ना बासपा और सपा सरकार ने दिया उससे ज्यादा 1,25,00,000 हमने गन्ना मूल्य दिया, आपने अपने कार्यकाल में 95 करोड़ केवल दिया। ठीक है ठीक है। प्रिंसिपल जी क्या कह रहे हैं? अभी शबनम जी ने कहा कि दिल्ली में कितनी नौकरी, 10 लाख नौकरियां दी है, यहाँ युवा खड़े 402 बता रहे हैं। गूगल अभी कर लीजिए, अभी आपको गूगल में मिल जाएगा। भैया गूगल बाबा से बड़ा कोई नहीं है, ये जो मुख बनाना जब और ये जिन्ना की बात करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1943 में जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तो उसमें किनकी सरकार थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके मुखिया थे आरएसएस के, बम पाए गए, जिसके छत पे बम पाया गया और जो दंगा कर रहा था कल सीबीआई राम मंदिर के नाम पे चंदा चोरी करती है, राम मंदिर के नाम पर, और जिन्ना के साथ सरकार बनाती है वो जिन्ना का रंग लाती है। इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वित्त मंत्री थे कि नहीं, बताइए। देखिए ये लोग सभी लोग जो हैं वो मुद्दों से भटकाने का प्रयास, बिल्कुल साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुद्दे पे बात ही नहीं हो रही, दिल्ली चले जा रहे कहीं चले जा रहे। आज का मुद्दा कांग्रेस अगर बात कर रही मुद्दे में तो कर दीजिए। आज का मुद्दा जो है वो मुद्दा ये है कि हाँ आपने कितना भ्रष्टाचार किया, कितना युवाओं को परेशान किया। प्रियंका गांधी चुनाव से पहले कह रही है हम समर्थन देंगे, अगर कोई पत्रकार आपको मंत्री से पूछने पहुंचे तो आप कहेंगे उसको जुमला था। आप देखिए आप हर चीज को जुमला कहकर टाल देते हैं, लड़कियों के रेप होने पे उसकी माँ को प्रत्याशी बनाते हैं पर निर्भया की माँ को प्रत्याशी नहीं बनाते हैं, तो इनके कहने पे अधिकारी पेट्रोल डाल के उसको जला देते हैं। जनता के सेंटीमेंट से खिलवाड़ कर रहे हैं, दलित के घर में जाकर के खिचड़ी खाने का ढोंग करते हैं, उसमें भी क्या करते हैं कहते हैं उसके बर्तन में नहीं खाएंगे, हमको स्नान करना पड़ेगा गंगा के। ये बोला गया है अरे जो 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 ये देखिए नकारात्मक राजनीति के फलस्वरूप ये लोग विपक्ष में बैठे हैं, मुख्यमंत्री आवास में जाने से नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग दलित के घर में जाकर के रोटी खाने का नाटक करते हैं, ये इनका चरित्र है। ये जो राजनीति कर रहे हैं देखिए, इसमें जनता आने वाली नहीं है, जनता को चाहिए रोजगार, जनता को चाहिए शिक्षा। आपने शिक्षा का बजट उत्तर प्रदेश का कितना कम कर दिया आप बताइए। शिक्षा दिल्ली के जो मित्र हैं तो मानेंगे इनकी, इस मामले में तो हम तारीफ करेंगे कि इन्होंने कम से कम शिक्षा के बजट को बढ़ाया। इन्होंने क्या किया, शिक्षा को बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया। इन्होंने आरटी एक्ट के तहत जो छात्र, इनसे ये पूछ लीजिए कि दिल्ली, एक सेकंड दो चीज इनसे पूछ लीजिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य का उत्तर प्रदेश में बजट कितना। देखिए मैं ये बोल रही हूँ कि ये मोहल्ला क्लिनिक इतना कह रहे थे, इनका कोरोना के समय मोहल्ला क्लिनिक कहा गया, क्यों गृह मंत्री जी को मदद के लिए आगे बढ़ना पड़ा? दिल्ली की हालत इतनी बिगाड़ कैसे दिया इन्होंने? कोरोना के समय में लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, लोग अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहे थे, इनका मोहल्ला क्लिनिक आ गया। ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली की बात करने से इसीलिए कतराती है क्योंकि सत्ता में रहते हुए केवल लूटा है। आप आम आदमी पार्टी के लिए बोल रही, तो प्रदीप भाई बोल रहे कांग्रेस वाले। देखिए कांग्रेस बिन पेंदी का लोटा बन गया है, बिन पेंदी का लोटा बन गया है कांग्रेस, जहां बोलिए वहां लुढ़क जाएगा। एक कहावत है, मैं माफी के साथ उत्तर प्रदेश के लिए कह रहा हूँ, लेकिन बीजेपी ऐसा सोचती है कि उत्तर प्रदेश में जितने ज्यादा होंगे गवार उतने बीजेपी की होगी बहार, क्योंकि इन्होंने शिक्षा का बजट कम किया, इन्होंने एजुकेशन को, जब कोरोना काल आया तो बड़ों के बच्चे तो पढ़ गए लेकिन गरीबों के बच्चों को दो दो साल शिक्षा नहीं मिली, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे इंटरमीडिएट की हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा हो, गरीबों का बच्चा 3 साल से अनपढ़गिरी कर रहा है, उसको कोई एजुकेशन नहीं मिली, सिर्फ पास कर दिया जा रहा है, उसका नॉलेज खत्म किया जा रहा है, उनको शिक्षित व्यक्ति से गंवार व्यक्ति बनाया जा रहा है। क्योंकि एक कहावत अभी आप जो बोल रहे थे, एक कहावत मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ दिनों पहले ट्वीट की थी, वो बिजली वाले मामले पर, कुछ पता है क्या उसके बारे में? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी का ज्ञान बड़ा सीमित है, मैं चूंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन जो चीजें उन पर लागू हैं वो चीजें हमेशा रिपीट होंगी। मुख्यमंत्री जी लैपटॉप चलाना नहीं जानते, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में हमारा
जो जीडीपी है उत्तर प्रदेश का, वो किसकी सरकार में बेहतर था और इसकी इस सरकार में किस स्थिति पे पहुंच गया, ये मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम है। ही इज एक्सपर्ट ऑफ दिया जलाओ, घंटा बजाओ, आरती कैमरे पे घुमाओ, इसके एक्सपर्टीज हैं, वो कर सकते हैं और उसके लिए उनको बताए। देखिए जनता इनको अच्छी तरीके से बताए, ट्विटर पे राजनीति करके सोचना हम लैपटॉप चलाना जानेंगे तो यही राजनीति है। राजनीति ये नहीं, जनता की सेवा। ये पहले मुख्यमंत्री है जो अपने कार्यकाल में लगातार सभी जिलों का दौरा करते रहे, लेकिन इससे पहले गुंडा राज था और इनके मुख्यमंत्री अपने कमरे से नहीं निकलते थे, 10 से 5 की नौकरी बंद करते थे। आपका गृह मंत्री, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष गली गली प्रचार कर रहा है, तो आप लोग नाराज हो रहे हैं, मना कर रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। आप तो अहंकारी बने रहिए, हम अहंकारी नहीं है, हम गली गली क्या, हम दरवाजे दरवाजे जाएंगे, हम जनता के सामने घुटने टेकने को तैयार है। हमारी सरकार अहंकारी सरकार नहीं है। मोदी जी भी थर्रा गए, घबरा गए, लड़ा गए और इसीलिए चुनाव आयोग से प्रचार बंद करा गए। और अब फिर से 300 की टोली में प्रचार कराना शुरू कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने मुद्दे पे है, एजेंडे पे है। आप भटकाओ, आप पाकिस्तान का नाम लो, लेकिन हम बेरोजगारी की बात करेंगे, हम आपके थार के ड्राइवर पे बैठे गुंडे की बात करेंगे, हम टेनी पे बात करेंगे, हम ब्रजेश सिंह पे बात करेंगे, हम कुलभूषण सिंह पे बात करेंगे। प्रजापति जेल में उसमें क्या बहस, जो जेल में उसमें क्या बहस, जो जेल में उसमें क्या बहस, अनादर हुआ और साथ साथ मुख्यमंत्री के साथ बहन को आपने पेट्रोल डाल के पुलिस से जलवा दिया, उसके परिवार को मुक्त तक नहीं किया, आपके विधायक को पत्रकार को जला दिए, उसके उस विधायक ने पूरे परिवार को नष्ट करा दिया, कुलदीप सेंगर कौन है, और कोई कार्रवाई नहीं। आपके भाई लगते हैं क्या कुलदीप सेंगर, जो आप कुलदीप सेंगर के लिए इतना लड़ रही हैं, ये अच्छी बात नहीं। रेपिस्ट रेपिस्ट होता है। सुभाष जी, आखिरी में मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुद्दा भी बहुत जरूरी है कि जिन मुद्दों पर चुनाव होना है, क्योंकि 5 साल बाद ये चुनाव हो रहा है और चुनाव में जो जनता के मुद्दे हैं, जो विकास का मुद्दा है, उस मुद्दे पर चर्चा होना सबसे जरूरी है। हमने चर्चा तो कर ली, राजनीतिक चर्चा पूरी हुई यहाँ पर, कि क्या किया क्या नहीं किया, कौन कितने पानी में है, कौन कितना बेहतर है। आप क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में किन मुद्दों पर चुनाव होना जरूरी है और राजनीतिक दलों को भी उनको सोचना, उन पर विचार करना बहुत जरूरी है। नितिन जी, पहली बात तो मुद्दे के ऊपर डिबेट हो ही नहीं रही थी। जब मुद्दों की बात आई तो हमारे दोनों सहयोगियों ने, समाजवादी पार्टी के सहयोगी भी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भी, मुद्दों से भटकाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया था। ये एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया। मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि हमारे सारे सहयोगी बड़े बुद्धिमान हैं, ज्ञान वाले हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए टोटी चोर का शब्द का जो उपयोग करना चाहिए भी गलत है। एक वर्तमान में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए चिलम शब्द का प्रयोग करना भी कहीं ना कहीं अनुचित है। तो कम से कम सारे हमारे जो बुद्धिमान लोग हैं, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें, मुद्दों के ऊपर डिबेट करें। अब मैं प्रदीप जी के ऊपर आना चाहता हूँ। प्रदीप जी ने अभी एक सवाल किया था कि कोरोना के अंदर जो डेथ हुई थी ऑक्सीजन के ऊपर, उन्होंने फट से सवाल कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं वहां की सरकारों ने भी एक भी डेथ ऑक्सीजन से नहीं दिखाई। आपके बीच में नहीं बोला, एक मिनट प्रदीप जी सुनिए पहले, तो सुनिए तो यूपी गवर्नमेंट की भी तारीफ करी, सुन तो लीजिए पहले, सुनिए बात सुन लीजिए। आपने जो बोला ना उस पर बता रहा हूँ मैं, आपकी जो कांग्रेस शासित जितनी भी सरकारें हैं वहाँ पे आपने एक भी डेथ दिखाई कि वहाँ पे ऑक्सीजन से डेथ हुई है। तो साहब पहले अपने गिरेबान में तो झांक लें, उसके बाद बोले। आपने स्टार्ट में मुझे नितिन एक सवाल पूछा था कि इन लोगों से कि अगर हंक असेंबली होती है तो ये लोग किस तरफ जाएंगे, तो अभी के डिबेट में आप लोगों ने देख लिया कि सारी की वैचारिक लड़ाई और तीनों के तीनों एक हो गए थे, लड़ रहे थे बीजेपी से, और वो प्रदीप भाई के साथ मनोज भाई भी खड़े हो गए, प्रीतपाल जी के साथ मनोज भाई खड़े हो गए। ये साबित हो गया ना कि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की है, ये लोग देखेंगे। और ये कहीं ना कहीं अगर हंग असेंबली आती है तो इनके रवैये से तो पता चलता है कि हाँ ये समाजवादी पार्टी के खेमे के अंदर ही जाएंगे। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की जनता से, आपके चैनल से, नहीं नहीं आप अपने सवाल को देखिए ना, आपने आरोप लगाया, आरोप लगाना बहुत आसान होता है, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। आपने फट से उंगली उठाई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, आपकी 4-5 सरकारें हैं 5 राज्यों के अंदर, आपने क्यों नहीं डाटा वहाँ पे कि ऑक्सीजन से एक मौत हो गई है, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो, आज उंगली उठा रहे हो भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर कि वहाँ पे ऑक्सीजन डेथ हुई। नहीं 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 जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को डिनाइल किया है, आपने आपने तो वैक्सीन तक बेचा पंजाब में, और इस पर जब आवाज उठी तो आप बैकफुट पे आ गए थे। बताइए
पार्टी ने कहीं डिनाई नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी डाटा क्यों नहीं देती? राजस्थान के अंदर सरकार इनकी है, छत्तीसगढ़ के अंदर इनकी है, पंजाब में इनकी सरकार थी, इन्होंने एक भी डाटा नहीं दिया, इन्होंने पूरा बयान दिया। तो मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग अपने राज्यों के मुख्यमंत्री को कैसे बोल रहे हैं लोग, फिर क्यों नहीं बोल रहे? एक महत्वपूर्ण डाटा मैं दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में दो कोरोना काल और तीसरा मिला के 28,000 लगभग मौतें बताती सरकार, लेकिन जब पिछले साल जब चुनाव आता है और जब वोटर लिस्ट पे जाते हैं तो उसमें 21,40,000 वोट गायब कर दिया गया, और चुनाव आयोग ने ना डाटा बताया कि ये वोट क्यों काटा गया, ये कहाँ चले गए, जिस शब्द से इनको ज्यादा प्यार है वहां चले गए या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, आज तक ये डाटा नहीं है। यानी कि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में मरने वालों की संख्या 21 लाख से ज्यादा थी जो इस सरकार ने आंकड़ा छुपाया। देखिए सबसे पहली बात कि ये कोरोना जो है सदी की सबसे बड़ी महामारी है और इससे केवल उत्तर प्रदेश या भारत नहीं, सुन लीजिए पहले सदी की सबसे बड़ी महामारी रही और इस पर विश्व का कोई भी देश अछूता नहीं है जहां मौतें नहीं हुई हैं, लेकिन उस पर ये राजनीति करने वाले लाशों की राजनीति करते हैं और वोटर लिस्ट में नाम ट्रांसफर होने से तमाम कारणों से वोटर लिस्ट में कट सकता है, लेकिन आप लोगों को मृतक बना के बार बार जनता का अपमान कर रहे हैं। जनता का अपमान बंद करिए, उत्तर प्रदेश की जनता 10 मार्च को आपको हाशिए पे फिर लाने वाली है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस बार 2022 का जो चुनाव होने जा रहा है वो मुद्दों पे होने जा रहा है। इस बार का जो चुनाव होगा उसमें बेरोजगार जवाब देगा, इस बार किसान जवाब देगा, एक छात्र जवाब देगा, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर जाना होगा। देखिए सबसे बड़ी समस्या ये कि उत्तर प्रदेश जो रोजगार पोर्टल है उसके ऊपर 40 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करा रखा अपना, उसमें 7200 नौकरियां देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली का मॉडल है वो हम उत्तर प्रदेश में लेके आएंगे। हमने कहा 10 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे, नहीं दे पाएंगे तो 5,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। नहीं वो उनको उनको उससे आगे पढ़ाई नहीं आती ना, वो गब्बर सिंह था ना, गब्बर सिंह कहता है वो तीन ही गिनती की तरह चौथे पहुंचे नहीं पाता था दो आदमी, यानी दो के आगे उनकी पढ़ाई नहीं है। आप हम तो कह रहे हैं गूगल बाबा सर्च कर लो भैया मोबाइल में, आपको पता चल जाएगा। हम लोगों ने ऐप तैयार किया इसी कोरोना काल में और युवाओं को नौकरियां मिली, नौकरी देने वालों को वहां बैठाया, युवाओं को जिनको नौकरियां चाहिए तो उनको बैठाया, स्किल्ड वालों को बैठाया, नौकरियां देकर सिखाया हमने। हम देश जब गोरखपुर विश्वविद्यालय में भर्ती होती है तो 55 में से सबसे ज्यादा किस जाति के व्यक्ति थे, मैं नाम लूं तो इनको पता चलेगा। और जब जब बांदा में विश्वविद्यालय में होती है भर्ती तो 15 में सबसे ज्यादा किस जाति के होते हैं, वो ठाकुरवाद योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से लागू कर दिया, इसका अंत होगा, तुरंत होगा। भारतीय जनता पार्टी मैं तो यही बोलना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग वोट करें, मुद्दों के आधार पर वोट करें, एजुकेशन के ऊपर वोट करें आप, हेल्थ के ऊपर वोट करें आप, बेरोजगार नौजवान जो रोजगार के ऊपर वोट करें, इधर उधर के जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर न भटकते हुए अपने भविष्य के बारे में चिंतन करते हुए उसको सोचते हुए वोट करें। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है और चुनाव को देखते हुए जो रणनीतियां हैं वो लगभग तय हो चुकी है। अभी आपने देखा कि डिबेट के जरिए किस तरह से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं, और ये सिर्फ डिबेट नहीं, सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए या फिर पार्टी कार्यालय में हो रहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई, लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। लेकिन हमें और आपको, ये जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं, इस डिबेट को देख रहे हैं, उन सबको अपने मुद्दे पर इस बार वोट देना है और अपनी सरकार को चुनना है अगर आपको अपना और अपने क्षेत्र का, अपने देश का, अपने प्रदेश का विकास चाहिए। तो आज की डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।